उन्होंने खुद ही एक टेलीस्कोप डिजाइन किया और बनाया था और उसके जरिए उन्होंने सैटर्न के चंद्रमा टाइटन को खोजा। हॉइगिंस ने पेंडुलम क्लॉक का आविष्कार किया। उन्होंने उन मैथमेटिकल फॉर्मूलास को गढ़ा जो आंख वाले एक पेंडुलम को बनाने के लिए जरूरी थे और जिसके जरिए घड़ी की सुइयां सही सही समय दर्शाती। हॉइगिंस ने एक नई मशीन के प्रोटोटाइप का रेखा चित्र बनाया। उन्हें इस मशीन से काफी उम्मीदें थी। उन्होंने इसे नाम दिया था मैजिक लैंटर्न यानी जादुई लालटेन। कुछ 100 साल बाद ये चीज एक वर्किंग मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर के तौर पर सामने आई।